दोस्तों सबसे पहले 12x8 इंच का 2 सीट ले लेंगे। तो ये सीट मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है, तो आप इजीली पीवीसी पाइप से बना सकते हैं। इसके बाद और एक 12x6 इंच का सीट लेंगे, तो 12x8 इंच के ऊपर 12x6 को ऐसे रख एल शेप टाइप जैसे बना लेंगे। दोस्तों दोनों सीट को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सुपर ग्लू। तो यहाँ पे हम लोग फेविक्विक का सुपर ग्लू यूज़ कर रहे हैं, जिसके मदद से दोनों सीट को हम लोग जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों सीट का कोई भी एक साइड में स्केल को यूज करके 3.5 इंची का मार्किंग कर लेना है। दोस्तों अभी हम लोग 7x6 इंच का एक पीवीसी सील लेंगे और जो मार्किंग किया था 3.5 इंच का वहाँ पे बैठा के सुपर ग्लू के मदद से इसको फिक्सिंग कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद और एक 12x8 इंच का पीवीसी सीट लेना है। तो यहाँ पे जो बॉक्स हम लोग ऑलरेडी बनाया है उसके ऊपर रख के, मतलब बॉक्स टाइप का करने के लिए, तो इसके ऊपर रख के सुपर ग्लू का मदद से हम लोग इसको भी जोड़ लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ सानबोर्ड का पीसेस लेना पड़ेगा जो अंदर में लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप थर्मोकोल भी यूज कर सकते हैं, तो आप थर्मोकोल या सानबोर्ड कोई भी चीज इसको अंदर रख सकते हैं और इसके अंदर फेविक्विक के मदद से इसको लगा सकते हैं। दोस्तों अभी देख सकते हैं बॉक्स ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है, तो इसके अंदर भी हम लोग सनबोर्ड भी लगा लिया। अभी आप लोगों को एक वाटर कूलिंग ब्लॉक लेना है, जिसका लंबाई है 160 mm और चौड़ाई है 40 mm। तो ऊपर वाला साइड में ब्लॉक को रख के इसके साइड में मार्किंग कर लेना है और इसके हिसाब से जो पीवीसी सीट है उसको काट लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक एल्युमिनियम सीट लेना पड़ेगा, जिसका लंबाई है 10.5 इंची और जिसका चौड़ाई है 5 इंची। दोस्तों इसको थोड़ा सा एल टाइप का बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम सीट है ये बॉक्स के अंदर रहेगा और बॉक्स के अंदर जो भी सामान रहेगा उसको कूल करेगा। दोस्तों एल्युमिनियम सीट को बेंड करने के लिए एक मार्किंग कर रहे हैं, जिसका लंबाई है 7.5 इंची। तो इसमें मार्किंग करने के बाद इसको हम लोग बेंड कर लेंगे। दोस्तों बॉक्स के ऊपर साइड में हम लोग 4 होल करेंगे, मतलब ऊपर 4 नीचे 4, जो एल्युमिनियम सीट है उसको लगाने के लिए। तो ये एल्युमिनियम सीट बॉक्स के अंदर रहेगा और जो वाटर कूलिंग ब्लॉक है बॉक्स का ऊपर साइड में रहेगा। दोस्तों फिर से हम लोग 4 एल्युमिनियम पीसेस लेंगे, जिसका लंबाई है 12 सेंटीमीटर और जिसका चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो एल्युमिनियम
पीसेस हम लोग लेंगे, इसको हम लोग यूज़ करेंगे जो वाटर कूलिंग ब्लॉक है उसको सही से रखने के लिए, और अंदर जो एल्युमिनियम सीट है उसके अंदर रखने के लिए। तो ये जो होल किया था हम लोगों ने उसके साइड में रख के होल के जैसे हम लोग मार्किंग कर लेंगे इस एल्युमिनियम पीसेस में, और ये एल्युमिनियम पीसेस में भी हम लोग होल कर लेंगे। दोस्तों जो एल टाइप का एल्युमिनियम सीट लिए थे उसको हम लोग अभी अंदर रखेंगे, और जो होल किया है ऊपर साइड में उस होल के सेम सेम जगह में एल्युमिनियम सीट पे भी हम लोग होल कर लेंगे। दोस्तों एल्युमिनियम सीट को अभी बॉक्स के अंदर लगाएंगे, जिसके लिए जरूरत पड़ेगा 1 इंची नट या स्क्रू। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बॉक्स के अंदर में जो होल किया हुआ 8 गो होल है, उसके हिसाब से एल्युमिनियम सीट को इधर लगाना है, और जो नट है उसके होल में घुसा के अच्छा से टाइट कर लेना है। दोस्तों अभी हम लोग 4 नंबर ऑफ पेल्टियर मॉड्यूल लेंगे, जिसका मॉडल आईडी है TEC112706। दोस्तों ये जो मॉड्यूल है इसमें पावर देने से क्या होता है, एक साइड कूल होता है एक साइड हीट जनरेट करता है। जिस साइड में लिखा हुआ रहता है टेक मॉड्यूल या मॉडल नंबर उस साइड कूल होता है, और इसका अपोजिट साइड हीट जनरेट करता है। दोस्तों बॉक्स का ऊपर साइड में थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग थर्मल पेस्ट लगा के यहाँ पे जो पेल्टियर मॉड्यूल है, पेल्टियर मॉड्यूल का जो लिखा हुआ साइड है या कूल साइड है वो एल्युमिनियम सीट के ऊपर रख के उसके ऊपर वाटर क्लीन ब्लॉक को रख के हम लोग इसको टाइट कर लेंगे या फिक्स कर लेंगे। दोस्तों अभी हम लोगों को एक रेडिएटर लेना पड़ेगा जिसका साइज है 80 mm। तो ये सिंगल फैन है, तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कूल करना है वाटर को, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लोअर फैन यूज़ करेंगे। तो एक 12 वोल्ट का हाई एम्पियर ब्लोअर फैन हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग 12 वोल्ट 2.4 एम्पियर का एक ब्लोअर फैन हम लोग ले लिया। दोस्तों एयर फ्लो को बाहर करने के लिए यहाँ पे बॉक्स साइड में हम लोग थोड़ा सा होल करेंगे, और इसका होल जो ब्लोअर फैन है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे बॉक्स का साइड में, उसके हिसाब से काटिंग भी कर लेंगे। दोस्तों ये जो ब्लोअर फैन है इसको हम लोग रेडिएटर में फिक्स करेंगे। तो रेडिएटर का जो नोजल है, जिस साइड में वाटर का नोजल दिख रहा है उसका अपोजिट साइड में हम लोग फैन को लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड एक कॉर्नर में एक स्क्रू लगाने का जगह मिल रहा है, तो यहाँ पे यूज करेंगे
डेढ़ इंची का स्क्रू या नाट, तो इसको डेढ़ इंची नाट या स्क्रू देके इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे। दोस्तों 5x16 साइज का दो पाइप का टुकड़ा लेना पड़ेगा जो हम लोग लगा लेंगे और रेडिएटर का जो नोजल है उसमें। इसके बाद बोथ साइड टेप लगा के फैन और रेडिएटर को बॉक्स में हम लोग फिट कर लेंगे। रेडिएटर में जो दो हम लोग पाइप लगाए थे जिसका एक डायरेक्टली लग जाएगा वाटर कूलिंग ब्लॉक के साथ और दूसरा जो हम लोग टैंक बनाएंगे उसमें लग जाएगा। दोस्तों अभी आप लोगों को एक 12 वोल्ट डीसी पंप लेना पड़ेगा। जो ये जो पंप है ये ब्रशलेस डीसी पंप है, तो आप दूसरा कोई भी पंप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर से हम लोग दो पाइप का टुकड़ा लेंगे, जो मोटर है उसमें दोनों साइड में हम लोग लगा लेंगे। एक साइड जो नीचे वाला साइड है ये वाला जल खींचेगा, मतलब जो टैंक है उधर से लगेगा, और जो ऊपर वाला साइड है ये आपको वाटर जो कूलिंग ब्लॉक है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पूरा सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ SPDT स्विच। आप चाहे तो यहाँ पे SPST स्विच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे लगाना है यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग करने के बाद जो जो कॉर्नर साइड है उसको थोड़ा सा काट लेंगे हम लोग, जो देखने में अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे जो मार्किंग किया था वहाँ पे तो होल करके जो स्विच है इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पावर का कनेक्टिविटी करना है, तो यहाँ पे जितना सारा पेल्टियर है उसका जो पॉजिटिव वायर है रेड कलर का वो हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे। साथ ही साथ जो फैन और पंप है उसका भी पॉजिटिव वायर या रेड कलर का वायर हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे। उसके बाद सारा पॉजिटिव वायर को हम लोग स्विच का एक साइड में लगा लेंगे। अभी पेल्टियर मॉड्यूल का जितना सारा ब्लैक वायर है या नेगेटिव वायर है, पंप हो या आपका फैन हो, सबका नेगेटिव वायर ब्लैक वायर एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। और इसको हम लोग अभी जो XT60 कनेक्ट कर लेंगे उसको साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख पाएंगे कि मैं एक XT60 कनेक्टर ले रहा हूँ जो आपका ड्रोन में लगता है ज़्यादातर टाइम, या दूसरा कनेक्टर पावर कनेक्टर इस सबसे आप ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा एम्पियर ले पाएंगे।
और इसको हम लोग जो बॉक्स है उसके साइड में थोड़ा सा होल करके लगा लेंगे। इसके बाद स्विच से एक हम लोग पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव पिन पे, और जो नेगेटिव वायर हम लोग एक साथ कनेक्ट किए थे उसको नेगेटिव पिन पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों फिर से एक पीवीसी शीट लेंगे और जो बॉक्स का अपर साइड है उसको सही से ढक लेंगे और जो सुपर ग्लू है उसके मदद से फिक्स कर देंगे तो ये देखने में सही लगेगा। इसका जो कॉर्नर है थोड़ा सा घिस के सही कर लेने से बहुत ही अच्छा दिखने लगेगा। तो इसके बाद हम लोग इसका गेट बनाएंगे। गेट बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगा कुछ साउंड बोर्ड का, तो सबसे अंदर वाला जो साउंड बोर्ड है उसको सही माप से काट लेना पड़ेगा, उसके ऊपर सुपर ग्लू ले लेंगे, फिर और एक साउंड बोर्ड हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हो गया ड्यूअल लेयर। फिर इसके ऊपर हम लोग एक पीवीसी शीट लेंगे, पीवीसी शीट को इसके ऊपर फिर लगा के एक गेट बना लेंगे। दोस्तों डोर को खोलने और बंद करने के लिए चाहिए एक कब्जा, तो मेरे पास एक 2 इंची का कब्जा है, आपके पास 1 इंची का भी कब्जा रहेगा तो चलेगा। तो थोड़ा सा इसको हाइट बढ़ा लेंगे जैसे कि डोर खोलने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद हम लोग जो डोर बनाया था उसको लगा लेंगे और जो कब्जी है उसको फिक्स कर लेंगे। दोस्तों पूरा सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए एक पावर सप्लाई, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट 30 एम्पियर का SMPS। तो आपके पास कम से कम 12 वोल्ट 20 एम्पियर का SMPS रहना चाहिए, नहीं तो ये काम सही से नहीं करेगा, क्योंकि एक एक पेल्टियर मॉड्यूल 6 एम्पियर करेंट लेता है मैक्सिमम। उसके बाद फैन भी है, पम्प भी है। तो इसके बाद हम लोग करना पड़ेगा जो टैंक बनाया था टैंक में वाटर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाटर है ये हीट को बाहर लेके जाएंगे फैन के मदद से या रेडिएटर के मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन लाइन है इसमें एल और न्यूट्रल पे घुसा है, लाइन और न्यूट्रल पे, और जो डीसी आउटपुट है पॉजिटिव और नेगेटिव में लगाया है। तो यहाँ पे जो AC60 कनेक्टर है वो हम लोग मेरा जो फ्रिज है या कूलर है उसमें लगाया है। तो ये लगाने के बाद आपको जो करना पड़ेगा ये जो स्विच है इसको ऑन करते ही ये सिस्टम चालू हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये इसको ऑन करते इसका जो अंदर का टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होने लगा है। तो आप देखिए 34 बाहर का टेम्परेचर है, तो ऑन करते इसको 20 तक चला गया 1 से 1.5 मिनट के अंदर में। तो ये जो वाटर बॉटल है मेरे पास इसका टेम्परेचर है 34 डिग्री, तो इसको हम लोग अंदर दे देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो इसको 10 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे, तो इसके अंदर का टेम्परेचर कितना होता है देखेंगे। तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर कितना कूल होता है वो हम लोग देखेंगे, इसके लिए टाइमर सेट कर दिया।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो गया है, तो इसके अंदर का टेम्परेचर हम लोग देखेंगे पहले। तो जो एल्युमिनियम सीट है उसका टेम्परेचर दिखा रहा है 5.3, और जो वाटर बॉटल है उसका टेम्परेचर हम लोग देखेंगे तो इसका भी टेम्परेचर अप्रोक्स 20 या 19-18 दिखा रहा है। मतलब ये बहुत ही जल्दी कूल कर दिया, ये काम कर रहा है सही से। तो एक चीज़ देखना है, ये काम करने के लिए जो एम्पियर है बहुत ही अच्छा देना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करते। दोस्तों ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा है मेरे को, तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसे लगा तो देख के मेरे को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।